हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। ठीक है, तो तुम में से यार एक बच्चे मेरे को यार कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एक नहीं यार दो तीन बच्चे। ठीक है, मैं उसका आज उत्तर देने वाला हूँ। उसके बाद यार मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको यार विशिंग ईच एंड एवरी वन अ वेरी हैप्पी होली। ठीक है, कितना रंग खेले हो, कितना होली खेले हो मेरे को बताना जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस क्या था भैया, क्वेश्चंस दो था यार। एक क्वेश्चन था कि भैया हाउ मच वेटेज डज टर्न टू हैव। ठीक है, ये तुम में से एक बच्चे ये क्वेश्चन उनको बहुत दिन से पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कोई वीडियोस के अंदर। ठीक है, देखो यार पहला बात तो है कि शायद जो बच्चा मेरे को ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, पूछ रहे हैं रैदर, मेरे को लगता है कि तुम्हारा टर्म वन उतना अच्छा नहीं गया। एम आई राइट और एम आई राइट? ठीक है, नंबर वन। नंबर टू पर क्या भैया, टर्म टू में करना क्या है ताकि हमारे जो टर्म टू है उसका यार मार्क्स अच्छा हो। ठीक है, देखो मेन बात ये, मैं तुमको एक एग्जांपल्स के तरीके से चीजें समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छे से यार चीज को समझना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यार टर्म वन में चाहे फेल किया है या फिर पुअर मार्क्स मिला है उनको या फिर एवरेज मार्क्स मिला है, तो जिन बच्चे को पुअर मार्क्स मिला या फिर फेल किया है तो उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि तुम एकदम 95 कर लोगे, टॉप कर जाओगे। नहीं यार, ये तो हो नहीं सकते, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, वो बच्चा जो यार चाहे पुअर मार्क्स लेके आया है या फिर फेल किया है कोई एक सब्जेक्ट में, ठीक है, वो बच्चा एक एवरेज अच्छा मार्क्स ले आ सकते हैं अगर उनके टर्म टू के एग्जाम्स या फिर पर्टिकुलर एग्जाम अच्छे है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भैया तुम लोग देख पा रहे हो, बॉय ए गॉट 30 आउट ऑफ 80 इन टर्म वन, राइट। सो अगर वो बच्चा यार 30 मिला है उसको आउट ऑफ 80, तो अगर इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे 40 में तो उसको मिल रहा है 15 आउट ऑफ 40, राइट, इन इंग्लिश टर्म वन। ठीक है, एंड वो बच्चा अगर टर्म टू के अंदर 80 में यार 70 मार दे, चाहे सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, आईएससी से है, ठीक है, तो कितना उसको मार्क्स मिल रहा है आउट ऑफ 40 टर्म टू 35, राइट। सो परसेंटेज मार्क्स 15/40 + 35/40 = 50/80 इज हिज परसेंटेज मार्क्स दैट जो बच्चे जिसको मिल रहा है आउट ऑफ 80। इसके साथ अगर हम प्रोजेक्ट मार्क्स 20 ऐड कर दे तो 70 आउट ऑफ 100 हमको मिल रहा है। तो जो बच्चे शायद फेल किया था या फिर पुअर मार्क्स लेके आया था, वो बच्चा एक गुड एवरेज मार्क्स लेके आ सकता है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी तुमको यार आंसर मिल गया कि हाउ मच इंपॉर्टेंट डज टर्म टू हैव, राइट। अच्छा, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर आने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, एक एड ब्रेक के लेके हम मतलब एड ब्रेक लेके हम आने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सो अगर तुम सीबीएसई से हो यार, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि अनअकैडमी तुम्हारे लिए लाया है स्पेशली रिवाइज फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस टू इमरजेंस एग्जाम रेडी। मतलब यार तुम अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हो विद अनअकैडमी हु इज राइट नाउ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। भैया क्या है, प्रैक्टिस द सिलेबस विद करंट एमसीक्यू, मैप योर स्ट्रेंथ विद डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एनालाइज क्वेश्चंस एंड आंसर विद टॉप एजुकेटर। ठीक है, विद एन अकेडमी इमरजेंसी फॉर सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12। तो यार हम लोग का एग्जाम्स होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, बोर्ड्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम अपने आपको अपने आपका प्रिपरेशन को हाइट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स अच्छे से करवा सकते हो। अच्छा, मार्च 19 से लेके 22 तक होने वाले हैं, अभी यार जाओ जाके एनरोल करो। इसके साथ रिव्यू योर प्रिपेयर विद द फ्री लाइव मॉक टेस्ट है जो आज मतलब अभी भी जो तुम जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो, सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 लर्नर्स के लिए है। 19 मार्च 5 PM ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो। साइंस के लिए है हमारे पहले, उसके बाद 12वीं के कॉमर्स के लिए, अकाउंट्स के लिए, एंड देन क्लास 12 के लिए। अच्छा, इसके साथ क्लास 9 एंड क्लास 11 के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है, हर एक संडे को तो तुम चाहो तो यार 1 करोड़ का रिवॉर्ड जीत सकते हो। ठीक है, अनअकैडमी सीबीएसई कॉम्पैक्ट एग्जाम्स देकर, ठीक है, जो कि यार बहुत इंग्लिश हिंदी के अंदर है, एंड मेरा कोड यूज करना क्रैक, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। जाओ जाके जल्दी दो यार, तुमको अगर 100% स्कॉलरशिप मतलब पूरा फ्री में तुमको कोर्स मिलने वाला है फ्रॉम अन अकेडमी। थैंक यू। अच्छा भैया, सेकंड क्वेश्चन क्या था यार, सेकंड क्वेश्चन था कि यार विल दिस टर्म टू एंड टर्म वन विल कंटिन्यू। मीन्स भैया पहले तो कोई एक एग्जाम हुआ करता था, बट क्या ये टर्म वन टर्म टू क्या कंटिन्यू होगा, आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है इसमें? ठीक है, तो देखो यार पहला बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, शायद जो बच्चा ये वाला क्वेश्चंस पूछ रहा है शायद वो क्लास 8 में, 7 में या फिर 9 में है, ठीक है, या फिर 11 में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि उसको टेंशन ये है कि भैया मैं 2023 के बच्चा बनने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे टाइम में भी ये टर्म वन टर्म टू चीज रहेगा, राइट, एम आई राइट? ठीक है, तो सुन लो यार, 2021 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था कोविड के वजह से, राइट, कब नहीं हुआ था 2021 में, चाहे सीबीएसई, चाहे आईसीएसई, चाहे आईएससी, व्हाटएवर, चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड, व्हाटएवर, तुम पकड़ सकते हो। ठीक है,
अच्छा एग्जाम ना होने के कारण यार सरकार ने क्या ठीक किया, काउंसिल ने क्या ठीक किया कि हम लोग यार दो टर्म में एग्जाम कंडक्ट करेंगे, टर्म वन एंड टर्म टू। टर्म वन विल बी ऑनलाइन बेस्ड एमसीक्यू एंड टर्म टू विल बी ऑफलाइन, बिकॉज उस टाइम के दौरान कोविड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गया था कि ऑनलाइन ही एकमात्र सोल्यूशन था एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। एंड 2021 के जो बच्चे थे उन लोग का यार एग्जाम्स ना होने के कारण यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था, राइट। तो इसके लिए सरकार एंड काउंसिल मिलकर ये चीज किया था, ठीक है। बट अगर अभी ये कोविड 2023 में अगर ना रहे, ठीक है, 2023 में अगर कोविड ना रहे तो ऑन दैट केस हमारे जो वन बोर्ड वन एग्जाम्स होने, मतलब वन एग्जाम्स होने वाले फॉर वन बोर्ड, तो ये रूल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात आता है इधर एडुकेशनल पॉलिसी का, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जो मैं आकाश टॉक्स के अंदर कोई एक वीडियो में समझाया था यार एक साल पहले, ठीक है। उस पर देखो, आई होप तुमको यार ये दो आंसर्स काफी हद तक इसका उत्तर मिल गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार मैं अपना इस वीडियो के दौरान मैं तुम लोग को यार अपने अब तक कुछ रिलेवेंट बातें यार पहुंचा पाया, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज शेयर करो इस वीडियो को ताकि ये वाला दो क्वेश्चंस है सब तक पहुंच जाए, ठीक है। गुड बाय, गुड नाइट, एंड कीप वॉचिंग, लर्न विद आकाश, कीप सब्सक्राइबिंग अस, गुड बाय।